नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी YouTube चैनल गांव के किसान किसान में। किसान भाइयों, देखिए आज आया हूं मैं एक मक्का के खेत पर जहां पर लगाई गई है किसान के द्वारा मक्का। और ये देखिए किस तरीके से इन्होंने कब बोया था, क्या क्या प्रोसेस है, इसमें सारी बात करेंगे उनसे। और ये देखिए भुट्टा इन्होंने इस समय छील रखा है और ये क्यों छीला है इस पर भी बात करेंगे उनसे। तो देखिए ये पूरा खेत है मक्के का, अब मैं उनसे बात करता हूँ, बात करते हैं किसान से। तो बताइए आपने कब लगाई थी ये? हो रही सर 10 दिन बाद लगाई। अच्छा, यानी 28 मार्च के करीब, मार्च या शुरू अप्रैल में लगाई होगी। अच्छा अच्छा, तो इसमें क्या क्या ध्यान रखा था आपने मक्का लगाने चुभने बाद में? बस सिर्फ 3 दवा लगाई है शुरू। अच्छा, दवाई किस चीज़ की लगाई थी? दवा सुड़ी की लगाई। सुड़ी। अच्छा, मतलब सुड़ी अगर शुरू में खा रही होगी? शुरू से आखिर तक खाई। अच्छा अच्छा, तो बलना लेकर आ जाता। हाँ, तो कितने दिनों में तैयार हो जाती है फसल? 3 महीने में। हाँ। अच्छा, तो ये आपने ऊपर से अधभर्रा ही काट दिए, अब इसमें हम देख पा रहे हैं। तो ये अधभर्रा काटने का क्या फ़ायदा है इसमें? अधभर्रा काटने का फायदा ये है कि धुरो न्यार ना है। न्यार वो इसे काट। अच्छा, न्यार की वजह है बस? बस, और कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, और ये देखिए भुट्टा इनका बिल्कुल पक कर के तैयार है। ये देखिए इनका भुट्टा इन्होंने अभी छील भी दिया है। तो ये क्यों छीला है इनसे पूछते हैं। अच्छा, भुट्टा क्यों छील दिया है? सूखने वजह से। अच्छा, जल्दी सूख जाएगा। हाँ। अच्छा, तो इसमें औसत आ जाती है? कुछ ना पता है। अच्छा, निकलने पे बात है। हाँ, निकलने पर बात है, कुछ ना पता। अच्छा, तो ये कितने बीघा खेत है आपके मक्के का? मक्के का खेत है लगभग 4.5 बीघे। अच्छा, 4.5 बीघे। तो इसको आप मतलब कितने दिन बाद काट लोगे इसको? अब तो ये 3-4 दिन कर जाएगी। अच्छा, उसके बाद इसको मशीन के द्वारा निकाला जाएगा? मशीन से निकाला जाएगा। अच्छा, निकालने के बाद इसका दाना बेचोगे या सीधा? दाने बेचेंगे। अच्छा, तो ये वैसे कच्चा भुट्टा ही बिक जाता है, उसमें बोना सोचा बेचने का? कच्चा ना, मतलब कौन बेचता उसे। हाँ, ये तो बदना बात ही। देखिए ये पूरे मक्के का खेत है जो कि लगाई जाती है मार्च या अप्रैल के शुरुआती महीने में, और ये काट दिया गया है इसको जिससे कि ये भुट्टा जल्दी से सूख जाए। ये देखिए भुट्टा।